वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोगों की जो तैयारी है केवीएस की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने काफी सारी चीजें प्रिपेयर कर ली होगी। तो अपनी इसी केवीएस पीआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स में नए टॉपिक सीखने वाले हैं, नए टॉपिक करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है मैंने मैथ्स की 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें 3 वीडियोस के थ्रू अपने 6 क्लास के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड करे थे, ठीक है। आज हम 6th क्लास का जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं तो आई विल ट्राई कि इसको एक वीडियो में ही खत्म कर दें। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बहुत सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट तो है मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल एंड फैक्टर के बाद है डिविजिबिलिटी रूल, जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो इस पे ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बना रखी है, ठीक है। फिर है हमारा एचसीएफ एंड फिर है हमारा एलसीएम, ठीक है। तो बेसिकली जो 5 टॉपिक है हमें एक पर्टिकुलर वीडियोस में क्लियर करने हैं, पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने हैं। सो देखो ये कोई ना बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। बट यही जो सेम टॉपिक है ना, मल्टीपल एंड फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, तो अगर आप मेरे चैनल में चेक करोगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो फर्स्ट वीडियो है ना वो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं तो आप वीडियो वहां से जाकर के देख सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वीडियो उसी के बारे में है। 6th क्लास की बुक में आपको 7th का रूल नहीं बताया हुआ, 11th का रूल नहीं बताया हुआ, तो बहुत सारे हैं जिनका रूल छोड़ा हुआ है, ठीक है। बट मैंने वो उस वीडियो में वहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो। सेकंड चीज़ एक पूरी वीडियो एलसीएफ के ऊपर और एक पर्टिकुलर वीडियो एलसीएम के ऊपर और फिर एक वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों के ऊपर। मीन्स उसमें मेरा को क्या डिस्कस कर रहा था मैंने कि एचसीएफ का बेसिक क्या है, एलसीएम का बेसिक क्या है और दोनों के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, किस तरीके से, वो हमने वहाँ पे डिस्कस करे हैं। बट यहाँ पर आपको कराने का मोटिव है एनसीईआरटी, यहाँ पर मुझे आपका एनसीईआरटी का बेस क्लियर कराना है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी एचसीएफ और एलसीएम को कराने से पहले मैंने ऑब्वियसली आपको ये बताया था कि मल्टीपल एंड फैक्टर क्या होते हैं, तो ये ऑलरेडी उन वीडियो में हो रखा है, बट स्टिल हमको कराना है, इसलिए हमको करना है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। बाकी अगर आपको उसको और थोड़ा सा डिटेल में चाहिए होगा ना तो आप उसको वीडियो में वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ की आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा गला जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो आई होप आपको जो है ना आवाज़ वो ऑडिबल होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं और जितना तेज बोलती हूँ आज नहीं बोल पाऊंगी, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं, तो ये फैक्टर होता क्या है, ठीक है। अब फैक्टर क्या होते हैं, देखो एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है, और फैक्टर जो है फर्स्ट मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो। तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मीन्स कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मीन्स कि हम उनको गिन सकते हैं, इसका एक पर्टिकुलर अंत होता है, आगे जाकर के ये खत्म हो जाते हैं, तो ये फाइनाइट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि ये फाइनाइट होते हैं। सेकेंड चीज इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जो फैक्टर होता है ना नंबर से, जो फैक्टर होते हैं वो या तो नंबर के बराबर होते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। सॉरी छोटे का साइन ऐसे आएगा क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा ना, बड़ा नंबर रहेगा या उसके बराबर रहेगा, लेकिन फैक्टर हमेशा कम रहते हैं, ठीक है, ये होता है। और एक नंबर जो है वो अपना खुद का फैक्टर होता ही होता है, मतलब नंबर जो फैक्टर है इट्स सेल्फ फैक्टर इसका खुद का फैक्टर होते ही होता है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या बकवास करा रही है, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, डोंट वरी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना वो हम करेंगे, वो आपको समझ में आएगा और उससे आप ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि अब सपोज अगर मैं आपको ये चीज़ें बाद में बताती ना तो मैं भी आपको इजी समझ में आता, बट अभी हम क्या करेंगे इन सारी चीज़ों को साथ में रिलेट करके चल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या होता है 12, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आप 12 कैसे करते हैं, तो ना आप इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, इसको हम सब बच्चे पता नहीं कहते हैं एलसीएम लेना, इसको एलसीएम लेना नहीं कहते, इसको कहते हैं उनका गुणनखंड करना, यानी उसके फैक्टर करना। तो आपको नहीं पता अब फैक्टर क्या होते हैं कि ये जो नंबर है किस किस के पहाड़े में आता है, ये नंबर किस किस के पहाड़े में आता है, वही होता है इसके फैक्टर्स। ये नंबर जिस जिसके पहाड़े में आता है वही होते हैं इसके फैक्टर। जैसे कि 12 है, ये 2 के पहाड़े में आता है, यस, 3 के पहाड़े में भी आता है, यस, 4 के पहाड़े में भी आता है, यस, 5 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, 6 के पहाड़े में भी आता है, यस,
सेवन्थ के में नहीं आता, एट्थ में भी नहीं आता, टेंथ नाइन में भी नहीं आता, टेन में भी नहीं आता, इलेवन में भी नहीं आता, बट ट्वेल्थ के पारे में ट्वेल्व आता है, तो ट्वेल्व ठीक है। और सबसे पहले वन, क्योंकि अभी हमने लिखा है कि एक नंबर उसका खुद का फैक्टर होता ही, इसलिए हमने ट्वेल्व लिखा। और इसमें एक फोर्थ पॉइंट और कर लो कि वन तो भाई सबका फैक्टर होता है, वन जो है सदा बाहर है, ये सबका फैक्टर होगा, जितने भी नंबर दुनिया में मिलेंगे आपको सबका फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है कि फैक्टर क्या होते हैं, कि वो जो नंबर है वो किन किन के पहाड़े में आता है, वो होते हैं इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या है, देखो वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और ट्वेल्व, ठीक है। सॉरी फाइव तो नहीं है, फाइव तो नहीं आता है, फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता है। हाँ, तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि इसके फैक्टर जो होते हैं फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मीन्स कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यस ट्वेल्व के सिक्स फैक्टर है, मैं इसको काउंट कर पा रही हूँ, तो ये क्या है, फाइनाइट है। सेकंड क्या है, नंबर या तो उसके फैक्टर जो है उससे कम होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं। तो देखो नंबर कितने हैं, फैक्टर कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फैक्टर है और नंबर कितना है, ट्वेल्व। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इस नंबर से कम है, क्योंकि ये ट्वेल्व है ना, तो ट्वेल्व फैक्टर तो है नहीं, है ना, ट्वेल्व फैक्टर नहीं है, कम है फैक्टर, तो ये नंबर क्या है, इसके फैक्टर से या तो बराबर होते हैं या फैक्टर इसके कम होते हैं। थर्ड वन है नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर, इसका जो नंबर है वो खुद का भी फैक्टर होता है, यानी ट्वेल्व का फैक्टर क्या हुआ, ट्वेल्व, तो ये भी इस पर अप्लाई होता है, यानी ये भी चीज़ सही है। और एक होता है वन, तो देखो वन के पहाड़े में तो ट्वेल्व आता ही आता है, तो वन भी क्या होता है, इसका फैक्टर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। और मैं ये आपको ऐसे क्यों कर रही थी, ठीक है, जैसे कि ट्वेल्व है, बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, तो हमने बहुत इजीली पता लगा लिया कि ये किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता, मान लो 120 होता, 1200 होता, 12000 होता, तो हमें कैसे पता चलता किस किस के नंबर में आता है, किस किस के टेबल में आता है। तो उसको निकालने के लिए हम ये तरीका करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर आगे हम बड़े करेंगे। जैसे टू है, टू की टेबल में कितनी टाइम में गया, सिक्स टाइम में। टू की टेबल में सिक्स कितनी टाइम में गया, थ्री टाइम में, ठीक है। फिर थ्री की टेबल में कितने टाइम में गया, वन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, जो हमारे यहाँ पे देखो फैक्टर थे वो वन भी था, टू भी था, थ्री भी था, फोर भी था, सिक्स भी था, ट्वेल्व भी था, यहाँ पे सिर्फ देखो तीन फैक्टर बन रहे हैं। तो बच्चों को पता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उनको बोल रहे हैं ट्वेल्व का फैक्टर करो, उन्होंने ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर करे और इसको कर दिया टू इज टू, टू इज टू थ्री, ठीक है। ये भी ठीक है, तीन दुनी से छः दुनी बारह फैक्टर इसके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा ना, नंबर ऑफ फैक्टर, तब हम यहाँ पे फंस जाएंगे, तब हम यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर ऑफ फैक्टर है यहाँ पे सिक्स। तो हम देखो इसको कैसे निकालते हैं, अगर आपने इस तरीके से भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, ट्वेल्व का, ट्वेल्व लिखा पहले, तो मुंह उठा के वन सबका होता है, वन लिख दो, और लास्ट में ही नंबर होता है, नंबर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो है, दो लिख दो, तीन है, तीन लिख दो, अब इनको मल्टीप्लाई करो, दो दूनी चार, यस होता है, चार लिख दो, तीन दूनी छः, यस छः भी है, लिख दो, तीन दूनी छः सेम हो जाएगा, मीन्स आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तीन दूनी छः दोबारा हो जाएगा, तो हम दोबारा नहीं लिख रहे, बस अब आपके नंबर ऑफ फैक्टर देखो छः थे और छः के छः आ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली फैक्टर क्या होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल, लाइक 120 ले लिया हमने, ठीक है। अब जैसे 120 है, मुझे पता है, पहले तो मैं हर मुंह उठा के लिख दूंगी वन, क्योंकि भाई वन के पारे में तो सब आता है, फिर टू, फिर थ्री, ठीक है, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि ये इस इसके पारे में आता है, ठीक है। जैसे सेवन में नहीं आता, एट में आता है, नाइन में करके देखना पड़ेगा, जैसे 129 नाइन में नहीं आता, टेन में आता है, ठीक है, इलेवन में नहीं आता, ट्वेल्व में आता है, थर्टीन में नहीं आता, फोर्टीन में नहीं आता, फिफ्टीन में आता है, सिक्सटीन में नहीं आता, सेवनटीन में नहीं आता, एटीन में नहीं आता, नाइनटीन में नहीं आता, ट्वेंटी में आता है। तो मतलब ये ऐसे करके चलना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन देखो मेरे पास ना पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मेरे अगर मान लो आ जाते हैं कि 120 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो भाई मैं तो निकालती निकालती पागल हो जाऊंगी ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी, ये तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। तो पेपर में हम एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करके आना है, निकालना तो हमें और है। तो देखो इसके लिए हम क्या तरीका करते हैं कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो सकते हैं, 120 है, आप इसके इस तरीके से फैक्टर करो, जैसे आप नॉर्मल अपना करते हो वैसे करो, सबसे छोटे से स्टार्ट करो और ऐसे फैक्टर करने स्टार्ट करो। थर्टी टाइम में टू की टेबल में फिफ्टीन,
5 की पावर 3, 5 के टेबल में 3 आर में 3 के टाइम में 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कि किसी में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 3 आया, 1, 2, 3, 5 की पावर आया 1 और 3 की पावर आया 1, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करना है, आपको सोच रहे हो कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यस बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि 2 की पावर 3 है यानी 8 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपका नंबर आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो यस हमें ऐसे ही करना है, बट इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे रखा है हमको। और देखो वो ट्विस्ट क्या है कि हमें इनके पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम इनके पावर्स को इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमें 120 ही निकल जाएगा, हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखो कैसे निकलेगा, इसकी पावर कितनी 3, 1 प्लस कर दो, 3 में प्लस करा 4, मल्टीप्लाई इसकी पावर कितनी है 1, 1 प्लस कर दो 2, इसकी पावर कितनी है 1, मल्टीप्लाई कर दो मतलब 1 प्लस कर दो 2 कर दो। हमें क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट पावर्स को भी कब मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करके, उनमें 1 प्लस करके हमको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 8 × 8 × 16, ठीक है, यानी टोटल फैक्टर कितने हैं इसके 16, 4 × 8 × 8 × 16, ठीक है 16 फैक्टर है, 4 × 8 × 8 × 16। और मेरे को निकाल लें तो मैं अब यहाँ से निकाल सकती हूँ, देखो मैंने कितने निकाल लिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैंने निकाल लिए, बस मुझे 5 निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है आगे बढ़ूंगी, तो ये किससे जाएगा, 30 से, ठीक है 30 से जाएगा ये, ठीक है ना, 30 के बाद ये 40 से जाएगा, ठीक है 50 से नहीं जाएगा, 60 से जाएगा, ठीक है 70 से नहीं जाएगा, 80, 60 आ गया ना इसका हाफ, मतलब आप ये देख रहे हो 60 आ गया ना इसका हाफ, 60 का इसका हाफ होता है ना 120 का, तो इसके बाद वाला ही नंबर यानी डबल कर दो सीधे, 60 के बाद तो सीधे 120 से ही जाएगा हाफ अगर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपके 5 फैक्टर रह गए थे, ये भी 5 पूरे हुए, यानी टोटल फैक्टर कितने 16, और हमने 16 के 16 निकाल दिए। और निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 2 की जगह 2 लिखा, 5 लिखा 3 लिखा, 1 आपको लिखना ही है, 120 लिखना ही है, फिर क्या करोगे, 2 × 4, 5 × 10, 5 × 15, ठीक है 3 × 6 और 3 × 15, 15 × 10, और इनको फिर आपस में 2 × 4 × 8, 8 × 5 = 40, तो 40 फैक्टर है, 5 × 15 = 30, 30 है, तो थोड़ा सा ये हेडिक वाला काम हो जाता है। बट अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो आप ऐसे निकालोगे। और नॉर्मल फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, मीन्स मुझे लग रहा है कि मैंने पहले 12 बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, इसके बाद 120 बहुत बड़ा हो गया आपके लिए, मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालना ही हो तो आपको आता ही होगा कि कौन सा नंबर किसके पहाड़े में आता है, तो मैंने सोचा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक मुझे पता थी तो मैंने सोचा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। फैक्टर आपको पता चल गया कि कौन सा नंबर जो है किन किन के पहाड़े में आता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब जैसे कि 24 ले लो, और 24 किस किस के पहाड़े में आता है, पहले को देखो भाई 1 के पहाड़े में तो दुनिया आती है, तो मुंह उठा के आपको 1 लिखना है, लास्ट में लिख दो आप वही नंबर क्या है हमारा 24 है, जैसा आपको वहां दिख नहीं रहा होगा 24, आपको 24 के पहाड़े में 24 आते ही है। अब हमें देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो देखो 24 का 2 के पहाड़े में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, और मुझे ही पता कैसे चल रहा है कि 5 में आता है, 4 में नहीं आता, 4 में आता है, 6 में नहीं आता, मुझे पता कैसे चल रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है, और उसी डिविजिबिलिटी रूल को मैं अपने दिमाग में साइड में चलाते हुए चल रही हूँ, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि भाई हाँ ये इसमें आता है या नहीं आता, ठीक है। जैसे आप मुझे बड़े से बड़ा नंबर दो, अब जैसे 1605 है, अब मैं इसको देखूं तो देखो ये 2 से नहीं जाता, 3 से जाता है, ठीक है 3 के पहाड़े से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, ठीक है 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, तो मुझे कैसे पता चल पा रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है। तो इसको आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट कर लो, ये जैसे टॉपिक खत्म होगा फैक्टर एंड मल्टीपल, इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल ही करना है, उसको बस आप थोड़ी सी अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो 1 हफ्ते तक लगातार, फिर आप भी ना बड़े मास्टर हो जाओगे नंबर को देखने में, मतलब देखते बता दोगे भाई 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, तो आप डायरेक्ट फिर उसी टर्म पे आ जाओगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। जैसे कि पहले मैं क्या करती थी, अब जैसे कि मेरे को एक नंबर दिया हुआ है 84,
तो मेरे को बड़ी दिक्कत रहती थी, मैं पहले 2 से डिवाइड करके देखती थी, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर जब किसी से जा रहा होता था ना तब जा करके हाँ था कि अब वो गया। पर इस बीच में क्या होता था, मेरा स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत टाइम खराब होता था। जैसे केवीएस का जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था तब मेरे को नहीं पता था, वो तो टचवुड क्लियर हो गया था एग्जाम, क्योंकि उसमें मैथ्स का इतना ज्यादा रोल नहीं था सबसे पहले वाले में। बट बाद में मेरे को रियलाइज हुआ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, मैं 2 से भी डिवाइड कर रही हूँ, 3 से भी, 4 से भी, बट अभी क्या है कैलकुलेशन सीधे दिमाग में हो जाती है, तो किससे, डिजिटल रूल से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको प्लीज अच्छे से करना, समझना, प्रैक्टिस करना। बाकी मैं अपना बेस्ट तो दूंगी कि आपको समझ में आए, बस मेरी वॉइस आज मेरे साथ नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग, और मुझे पता है मैं किन सिचुएशंस में आज ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके थे ऑलरेडी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो चलिए कोई नहीं, छोड़ते हैं। 1 2 3 4 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है। यस, अब देखो 24 का आधा कितना होता है, 12 तक आ गए। अब हमें 13 14 15 16 इनके पहाड़े पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये गए भाड़ में, हमें इनके पहाड़े पढ़ने ही नहीं है। 12 के बाद सीधे डबल करके लिख दो 24, क्योंकि इसका डबल है, यानी हो गए इसके फैक्टर। अब भाई मुझे हो रही कन्फ्यूजन, क्या मैंने इसके फैक्टर सही निकाले हैं, कि मतलब इतने ही फैक्टर होते हैं, क्योंकि देखो कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर है भाई, कोई छूट गया तो मेरे तो नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि मान लो पूछा है 16 इसका फैक्टर है यानी, और मैं देख रही हूँ 16 तो 24 के पहाड़े में आते ही नहीं है, हाँ तो उसका फैक्टर नहीं है, बट फिर भी इनकेस मान लो मेरे दिमाग में डाउट रहता है कि सारे फैक्टर मैंने लिखे या नहीं लिखे। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप ये तरीका अपना सकते हो, देखो 24 है, इसके फटाफट से फैक्टर कर लो, ठीक है, क्या दिक्कत है, 2 मिनट भी नहीं लगने, 2 मिनट का काम होता है। यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 1, एक ज्यादा ले लो 4, एक ज्यादा ले लो 2, 4 × 2 = 8, तो 8 फैक्टर होने चाहिए, और मेरे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह भाई मेरे भी 8 है, यानी मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है भाई, मजे आ गए। तो बस इससे सिंपल क्या ही होगा, ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 13, तो 13 किसके पहाड़े में आता है, 1 में लिख दो, सबसे पहले तो लिख दो 13 में, 1 के में आता है और 13 में आता है। अब बीच में 2 3 4 5 6 तो किसी से जा ही नहीं रहा, ये तो किसी से जा ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ अपने ही पहाड़े से जा रहा है 1 और 13 से, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने पहाड़े से जाता है और 1 से जाता है, क्योंकि देखो 1 तो फैक्टर सबका होता ही है, तो जो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से जाता है ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो जहां पे भी प्राइम नंबर होगा आपको 1 और उस खुद के पहाड़े के अलावा कोई और मल्टीपल दिखेगा ही नहीं, कोई और फैक्टर नहीं दिखेगा, सॉरी मल्टीपल तो बतेरे दिखेंगे, फैक्टर कोई नहीं दिखेगा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, फैक्टर कोई नहीं दिखेगा। तो 1 और 13 ही इसका फैक्टर है, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। 24 तो भाई देखो बाहर आ रखी है, 1 से 2 से 3 से 4 से सबसे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है कंपोजिट नंबर, ठीक है। आई होप आपने लास्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको ये नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो प्लीज लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि वही धीरे धीरे बेसिक पर आ रहा है। एक और ले लेते हैं 48, ठीक है, तो 48 देखो 1 लिख दो, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, 6 से जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से जा रहा है, 13 14 15 16 से जा रहा है सीधे, 16 17 18 से नहीं जा रहा, 19 20 से नहीं जा रहा, 21 22 23 24 सीधे 24 से जा रहा है। आप देखो भाई 48 का हाफ कितना होता है, 24 मिल गया। आगे के पहाड़े आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो 48, ठीक है, डायरेक्ट 48 लिख दोगे तो यानी यही है इसके फैक्टर। तो देखो ठीक है, ये 48 के ये फैक्टर होंगे। अब आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, आपको 84 के फैक्टर बताने हैं, 23 के फैक्टर बताने हैं, 98 के फैक्टर निकालने हैं कितने होंगे। बाकी आप लोग इसका भी फैक्टराइजेशन मेथड से जो तरीका मैंने बताया नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हो, ठीक है, और 100 के। तो ये आपके होमवर्क है किसके लिए, आपको इसमें फैक्टर बताने कि इसमें ये मतलब इन नंबरों के फैक्टर कौन कौन से हैं, बेसिकली ये नंबर किस किस के पहाड़े में आते हैं, किस किस की टेबल से कटते हैं, तो वो है आपका होमवर्क, ठीक है, आपको पता करना है। वैसे जैसे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना वो आपको कब काम आएगी, जब आपको बहुत बड़ा नंबर दिया होता है, जैसे कि मान लो दे सकते हैं 9861 दे दिया, अब हम इसके फैक्टर करने बैठ रहे हैं, भाई कितने फैक्टर करेंगे, कैसे पता चलेगा 2 में 3 में 4 में 23 में 25 में 39 में, आता ही नहीं आता, टेबल्स कितने बड़े बड़े हैं। तब आप क्या करोगे, सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे, उनकी पावर्स चढ़ाओगे, पावर के बाद उसमें एक पावर में प्लस ऐड करके पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म, कुछ नहीं करना। और जो आपकी वो होंगे ना पावर, मतलब जो चढ़ाओगे वो ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन में हो, वो प्राइम नंबर का ही चढ़ाओ, जैसे 2
टू था, फाइव था, थ्री था, तो इनकी ही पावर होनी चाहिए, मींस प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। जैसे कि मान लो नाइन है, तो नाइन को आप टुकड़ा कर सकते हो थ्री टू थ्री में, तो थ्री टू थ्री की पावर करके फिर आप उसको ऐड करके कर लेना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है। फिलहाल आपका होमवर्क ये कि आपको ये चार क्वेश्चन के फैक्टर बताने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल जो है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है, अब वो जैसे हमने फैक्टराइज फैक्टर के लिए करा था, इसके लिए भी करते हैं। ये फर्स्ट होता है इनफाइनाइट, ये इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि हम इसको काउंट कर ही नहीं सकते, ये कभी खत्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जैसे कि हमारी काउंटिंग है, जैसे हमारी काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, तो सेम विद द मल्टीपल, हमारा मल्टीपल भी कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड चीज कि मल्टीपल जो होते हैं ना वो हमेशा नंबर से बड़े होते हैं, नंबर से ज्यादा ही रहते हैं। जो हमारा नंबर रहेगा, जैसे फैक्टर उससे कम रहते थे या तो उसके बराबर रहते थे, जैसे वन है, वन का फैक्टर क्या है, वन, तो ये इसके बराबर ही है ना, ज्यादा फिर भी नहीं है। जैसे टू है, तो टू के फैक्टर कितने, वन और टू, तो दो फैक्टर है, दो के क्या है, बराबर ही है, ज्यादा नहीं है। थ्री है, थ्री के फैक्टर क्या है, वन और टू है, कमी है, ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल में क्या होता है, नंबर से हमेशा ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है, नंबर से ज्यादा ही रहते हैं। और थर्ड में क्या होता है, मल्टीपल हमेशा वो सेम नंबर भी उसका मल्टीपल होता है, जो भी नंबर हमें दिया होता है वो नंबर भी उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल इटसेल्फ वो नंबर होता है, नंबर आगे आना चाहिए, नंबर इटसेल्फ वो मल्टीपल होता है उसका, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और मल्टीपल आगे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, तो वो नंबर तो खैर होता ही है। वन के साथ ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है कि वन सबका मल्टीपल होता है, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से। जैसे हमसे पूछा है फाइव है, तो फाइव के मल्टीपल क्या होंगे, तो बेसिकली देखो फाइव का मल्टीपल एक तो फाइव ही होगा, जो उसका फर्स्ट टेबल है, फाइव बनता फाइव, इसके बाद फाइव के सारा, मतलब फाइव का जो टेबल होता है ना वो जहां तक बढ़ा सकते हैं, फाइव बनता फाइव, फाइव टू का टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, ऐसे करके जो है ना इसके मल्टीपल चलते रहेंगे, ये मल्टीपल कभी खत्म नहीं होंगे। ये क्या है, ये इन्फिनाइट है, मीन्स हम कभी बोल नहीं सकते ये कब खत्म होंगे, कब नहीं। तो बेसिकली जो है मल्टीपल, मल्टीपल कुछ नहीं होते हैं, मल्टीपल पहाड़ा होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं किसी भी नंबर का, जो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अब जैसे वन ले लो, वन है तो वन क्या है, देखो वन वन जा वन, वन टू जा टू, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे करके काउंटिंग चलती रहेगी। तो मल्टीपल क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, मल्टीपल के जो नंबर होते हैं उस नंबर से ज्यादा होते हैं। जैसे फाइव है, अब वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है सिक्स सेवन, ये तो चलते ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली उस नंबर से देखो ज्यादा है, मल्टीपल इटसेल्फ वो नंबर होता है, तो नंबर क्या है, वन, तो वो नंबर वन जो है, वन का मल्टीपल वन होता है। तो आई होप मल्टीपल तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सिक्स है, सिक्स का टेबल लिख दो, सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सो ऑन, ठीक है, ऐसे करके हमारे ये चलता रहता है। तो ये था हमारा मल्टीपल। डिविजिबिलिटी रूल करना है, पर डिविजिबिलिटी रूल से पहले ना हम एलसीएम और एचसीएफ कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ किस पर बेस्ड है, हमारे फैक्टर और मल्टीपल ही आपस में ही रिलेटेड है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जस्ट इससे पहले अभी हमने पढ़ा कि मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल में अभी हम क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत नाम सुना होगा आपने कि इसका एलसीएम ले ले, इसका एचसीएफ ले ले, बहुत कॉमन टर्म्स होती हैं, और आप में से आई गेस बहुत सारे लोगों को निकालना आता भी होगा। तो बट इसमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन, कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स जो चीज दोनों में आती है, तीन लोग हैं तो तीनों में है, चार हो तो चार कॉमन सब में। अब जैसे कि केवीएस पीआरटी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि सबने डीएलएड करा हुआ हो, दो साल का कोई भी टीचिंग कोर्स करा हो, तो ये क्या है, ये चीज है सब में कॉमन, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, डीएलएड। इसके बाद हमारा कॉमन कुछ भी हो सकता है, किसी की ग्रेजुएशन की डिग्री मैच कर रही हो, किसी की एज मैच कर रही हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो, किसी के फादर नेम मैच कर रहा हो, एनीथिंग, इट शुड बी एनीथिंग। बट जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो क्या है, हमारी डीएलएड की डिग्री। तो ऐसी सेम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा एंड में एलसीएम बन जाता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल लिखूं, तो देखो सिक्स के मैंने मल्टीपल लिखे, सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर और सो ऑन करके इसके मल्टीपल जो है चलते रहेंगे। सेम ऐसे एट के, एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स की जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में आता हो। तो देखो सिक्स सिक्स नहीं है मैच, ट्वेल्व सिक्सटीन नहीं है मैच, 18 24 नहीं है मैच, 24 32 नहीं करना मैच, लेकिन एक
नंबर है जो दोनों में आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है दोनों में 24, तो ये 24 इसमें भी आ रहा है और ये 24 इसमें भी है, तो यहाँ का LCM क्या हुआ 24, यानी इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24। अब देखो ऐसा ही नहीं है कि इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल है, आगे जाकर के बहुत ज्यादा कॉमन मल्टीपल आएंगे, जैसे 6 की टेबल में 48 भी आएगा और 8 की टेबल में भी 48 आएगा, 48 का डबल कर दो 96, 6 की टेबल में भी 96 आएगा और 8 की में भी 96 आएगा, तो ये सारे भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट बिल्कुल जो छोटा, सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब छोटा, तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24, यानी कि इनका एलसीएम क्या है 24, मतलब 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल से भी डिवाइड होगा और 8 की टेबल से भी डिवाइड होगा लीस्ट में, तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलसीएम। और यहीं पर हमें 12 का मल्टीपल भी निकालने के लिए दिया हुआ है, जैसे एक नंबर और 12 दे दिया, तो अगर हम 12 का मल्टीपल करें तो देखो 12, 24, 36, 48, तो इसमें भी देखो 48, 48, 48 भी तीनों में कॉमन होगा, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, तो वो क्या होगा 24, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम क्या होगा 24, ठीक है। अब अगर इन केस हमको यहाँ पे 12 की जगह थोड़ा कोई और नंबर दे दिया जाए, 13 दे दिया जाए, तो आएगा 1, 13, फिर आएगा 26, फिर आएगा 39, ठीक है, फिर ऐसे करके, तो अगर हम ये चीज देखें कि इनका कौन सा मल्टीपल होगा, ठीक है, तो हमें आगे जाके बढ़ा करके करना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ाते रहेंगे तो कोई ना कोई मल्टीपल इनका जरूर होगा जो कॉमन होगा, बट वो देखो अभी हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे 6 और 18 का मल्टीपल कितना था 24, ठीक है, 24 को हम डायरेक्ट ये जो प्राइम नंबर होता है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी मल्टीप्लाई कर करके आएगा वो होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो आई होप नाउ आपको एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है, कब लिया जाता है। देखो जब भी बड़े से छोटे की बात करी जाती है ना, छोटे से छोटा, कि छोटे से छोटी संख्या तो चारों से डिवाइड हो छोटे से छोटा, तो ये होता है हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। और जहाँ पे हमारी बात करी जाती है बड़ी से बड़ी संख्या जो पांचों से डिवाइड हो छठों से डिवाइड हो या जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पे होता है एलसीएम, इसको ना रट लो, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां पर भी आपके लिए छोटे से छोटे की बात करी जा रही है वहां पे एलसीएम, और जहां पे बड़े से बड़े की बात करी जा रही है वो होता है आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं ऐसे। अब बारी आती है हमारी HCF की, ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंजीनियर आपने इसको पढ़ा होगा ना, लघु संप्रवर्तक और इसकी हिंदी होती है लघुतम संप्रवर्तक, सब ठीक कुछ है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर लेना तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, साथ में वो निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक थी मैंने आपको वो भी बताई थी, तो 6th, 12th और 18 सेम नंबर लेकर के चलते हैं, सेम नहीं थोड़े से अलग ले लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो वो इनफाइनाइट होते हैं इसलिए उसमें छोटा पूछा जाता है, ये फाइनाइट होते हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये लिमिटेड है इनको ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए हमें चाहिए होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा इसमें चाहिए होता है एचसीएफ में। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, 3 इसका आधा है, डायरेक्ट 6 लिख दो। 12 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 के में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 6 इसका आधा है, डायरेक्ट डबल लिख दो 12। 18 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 इसका आधा है, डायरेक्ट डबल लिख दो 18। तो ये फाइनाइट है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं कि किस किस की टेबल में आते हैं, तो हमें निकालना है एचसीएफ। पहले तो हम कॉमन ढूंढ लेते हैं, कॉमन क्या है, तो देखो कॉमन तो 1 है, फिर 2 है, वाओ, फिर 3 भी है, ठीक है, फिर 3 भी कॉमन है, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, नहीं 6 भी तो कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 6 भी कॉमन है, ठीक है। तो अब हमें क्या लग रहा था, देखो अब हमने एचसीएफ निकाला था, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, एलसीएम में क्या होता है जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले वो हमने लिख दिया, इसमें देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो उसमें हमें ढूंढना है हाईएस्ट, हमें ढूंढना है सबसे बड़े वाला, सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा कॉमन है, तो देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 6, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो तीनों ही पहाड़ों से जा रहा है और ये हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, उसके बाद देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 6 नहीं होता, मान लो क्यों अलग नंबर ले लेते हैं, 6 ले लिया और 8 ले लिया, इसके फैक्टर करो, ठीक है, इसके फैक्टर करो,
अब क्या कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ कितना हुआ, जो हाईएस्ट कॉमन है यानी कि 2, यानी इनका एचसीएफ कितना है, सिर्फ 2, यानी ये दोनों ऐसे ही नंबर है, तो दोनों दोनों अगर कटेंगे तो किसके फाड़े से कटेंगे, 2, तो 2 क्या है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, तो देखिए आपको जो थर्ड चैप्टर दिया हुआ है सिक्स क्लास का आपको चैप्टर थर्ड करना है, तो चैप्टर थर्ड में आपकी एचसीएफ की भी एक्सरसाइज है, एलसीएम की भी एक्सरसाइज है, वो आपको करना है, ठीक है। और इसके साथ ही ना इसमें आपको बोला हुआ है कि छोटे एक कमरे में हमें बड़े से बड़ा कितने सेंटीमीटर का डंडा आ सकता है, तो उसमें आपको एलसीएम लेना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्कल पे खड़े होते हैं दो लोग सेम पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल है जो पेपर में आते हैं, और वो देखो कितने टफ लगते हैं पेपर में देखने पर वो, बट उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ एलसीएम और एलसीएम उसमें लेना होता है। तो उसमें क्या है, दोनों नंबर जो है एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दो लोग जो है एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हमें एक साइड से एक, मतलब मान लो क्या क्वेश्चन होता है कि देखो एक सर्कल बना हुआ होता है, ठीक है, दोनों जो लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बट ये 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक लड़का एक लड़की जा रही है 18 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये आगे जा करके कितने मिनट में मिलेंगे, तो सिंपल हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिंपल एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अगर जहां आपको कम से कम की बात करें, छोटे से छोटे की बात करें, तो वहां पे आपको लेना है एलसीएम, जहां पे आपको बड़े से बड़े चीजों की बात करें तो वहां पे आपको लेना है एचसीएम, ठीक है। सिंपल इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में रखना है। अब हम करते हैं हमारे डिजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहले तो होता है 2 का, ठीक है, कि 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो है मेरी ऑलरेडी वीडियो है, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि उसको ना मैंने पूरा एनसीईआरटी को फोकस करके नहीं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके बनाया हुआ है। 2 का डिजिबिलिटी रूल होता है कि देखो जैसे कि किसी के भी जो ऑड सम इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर देखो क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 का 0, ऐसे ही सेम नंबर बढ़ते चले रहते हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स यानी जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 12, 14, तो ये नंबर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं ना, इवन नंबर्स, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो हमारे सारे इवन नंबर होते हैं ना, वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं, तो सारे इवन नंबर हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो काउंटिंग तो है जो इनफिनाइट है, बहुत आगे तक काउंटिंग हमारी चलती रहती है, तो हम उनको कैसे काउंट कर सकते हैं, जिनके भी एंड में, किसी भी नंबर के एंड में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 2, 4, 6, 8, 0 आता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नो मैटर वो नंबर कितना भी बड़ा है, कितने उसके अंदर इवन नंबर्स हैं, कितने उसमें ऑड नंबर्स हैं, कोई मैटर नहीं करता, अगर उसके लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे देखो क्या, जैसे 5, 4, 3, 2, ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 8, तो ये क्या है, ये नंबर तब भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में आ रहा है 8। अब इसको और नंबर को बड़ा करते हैं, मैं लगा देती हूँ उसके लास्ट में 3, ठीक है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है।